नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 15, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुधा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें अपने विचारों को कम शब्दों अथवा कभी कभी एक शब्द में व्यक्त करना पड़ता है। ऐसा करने से ना केवल समय की बचत होती है वरन भाषा में कुशलता का भी समावेश होता है। इस प्रकार एक शब्द में वाक्यांश का अर्थ देना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए इसका ज्ञान अति आवश्यक है। नीचे कुछ ऐसे ही वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिन्हें एक शब्द में व्यक्त किया जाता है, इनका अध्ययन करो। तो यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं और इनके लिए एक शब्द यहाँ है। जो दिखाई ना दे उसे कहेंगे अदृश्य, जो कभी ना मरे अमर, जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना माने कृतघ्न, जो नियम के अनुसार हो नियमित, जो नियम के अनुसार न हो अनियमित, जो प्रतिदिन हो दैनिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जो बदला जा सके परिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो साथ यात्रा कर रहा हो उसे कहते हैं सहयात्री, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, दोपहर से पहले का समय अपराहन, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, आसानी से मिलने वाला सुलभ, थोड़ा बोलने वाला अल्पभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पार देखा न जा सके अपारदर्शी, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, जो मास महीने में एक बार हो मासिक, तपस्या करने वाला तपस्वी, जिसे यश मिला हो यशस्वी, विदेश में रहने वाला प्रवासी, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, झूठ मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी, बात कहने वाला वक्ता, बात सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला पाठक, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, निंदा करने वाला निंदक, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ा क्या सीखा। तो ये जो प्रश्न है बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है, इसे आप स्वयं लिखेंगे पाठ के आधार पर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, लिखने वाला लेखक, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो मांस खाता हो मांसाहारी, बात सुनने वाला श्रोता, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, आसानी से मिलने वाला सुलभ, थोड़ा बोलने वाला अल्पभाषी, जो कभी ना मरे अमर। तो बच्चों, जितने भी यहाँ पर वाक्यांश के लिए शब्द हैं वे सब आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो आप इसे दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखो। संकेत केवल शाक सब्जी खाता है, संकेत शाकाहारी है। राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे, इसे आप स्वयं लिखेंगे बच्चों। राजीव मेरे साथ पढ़ता है, राजीव मेरा सहपाठी है।
अंकुश थोड़ा बोलने वाला है, यहाँ इसको आप स्वयं लिखेंगे। रमेश मेरे साथ यात्रा कर रहा है, रमेश मेरा सहयात्री है। लोहे के दरवाजे के पार नहीं देखा जा सकता है, तो यहाँ भी आप एक शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखेंगे। चलिए निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखो, श्रोता जो सुनने वाला हो, पाठक पढ़ने वाला, पूर्वाहन का वाक्यांश आप स्वयं देंगे, दैनिक प्रतिदिन होने वाला, वक्ता बोलने वाला और कृतज्ञ का वाक्यांश भी आप स्वयं लिखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।